कस्बे के मनोकामना मंदिर के मैदान में पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद भागवत कथा का 7वें दिवस समापन हो गया। 7वें दिवस का शुभारंभ श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के अध्यक्ष सचदेव चुग एवं साई सभा की टीम द्वारा किया गया। समापन के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान कथा वाचक द्वारा श्री कृष्ण सुदामा का प्रसंग सुनाया गया। चैत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। चैत दीन कृष्ण भोजन कर रहे द्वारपाल ने कहा, अरे कोई सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हैं, धोती फटी सी है, पगड़ी नहीं है, पैरों में चरण पादुकाएं नहीं है। कृष्ण ने कहा फिर से रिपीट करो, क्या कहते हो सुदामा आया है? बोले हाँ। अरे कृष्ण ने भोजन की थाली को बीच में ही छोड़ दिया, दौड़ लगा करके जाने लग गए। पीछे उद्धव जी दौड़ लगा रहे हैं, पीछे रुक्मणी दौड़ लगा रही है, पीछे कालिंदी दौड़ लगा रही है, पीछे सप्तभामा दौड़ लगा रही है, पीछे भद्रा दौड़ लगा रही है, पीछे लक्ष्मणा दौड़ लगा रहे हैं। बीच बाजार में जाकर के कृष्ण ने सुदामा को गले से मिला और सुदामा को लेकर के आए। कितने दिन बाद आए, अब तुम्हें मेरी याद आई। सुदामा को ऊपर बिठा दिया, चरणों में कृष्ण बैठ गए। रुक्मणी से कहा तुम पानी लेके आओ। जब तक रुक्मणी पानी लेने के लिए गई, अरे तब तक तो कृष्ण कितने रोए, पैर में कांटे लगे हैं तो मुख से कांटों को निकाल रहे हैं और आंख के अश्रुओं से चरणों को धो दिया कृष्ण ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल सो पद धोए। देख सुदामा, रोने में आनंद है, कृष्ण रोते हैं सुदामा के लिए। कभी भक्त रोए भगवान के लिए, कभी रोते रोते शिव का अभिषेक हो जाए आंख से, आंख के अश्रुओं से महादेव का अभिषेक हो जाए। गंगा जल से श्रेष्ठ है आंसू, साधारण नहीं, 99% फीलिंग, 1% पानी, 99% भावनाएं हैं, 1% पानी। मीरा रोती थी कृष्ण के लिए, कबीर रोते थे परमात्मा के लिए। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, रोने में आनंद है। कभी कभी भगवान के लिए रोया जाए, हल्का हो जाएगा दिमाग, कोई भार कम हो गया, गदगद गिरा नयन वह नीरा, मन गुण गावत पुलक शरीरा, रोम रोम पुलकायमान हो जाए। कृष्ण के लिए कभी रोया जाए, भक्त रोते हैं परमात्मा के लिए। सुदामा बैठे हैं कृष्ण चरणों में बैठे हैं और वस्त्र पुराने उतरवा दिए, अरे राजसी वस्त्र पहना दिए, 56 प्रकार के भोजन। सुदामा कहते मुझे नहीं खाना, खाओ ना। बोले नहीं नहीं ये प्रसाद है। और ऐसी सेवा सुदामा की कि क्या बताएं, अद्भुत सेवा थी, गजब हो गया। अरे सुदामा जी कहते हो आप क्या करो, अब हम चलेंगे। बोले नहीं नहीं ये बताओ तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं क्या? सुदामा कहते लाना तो बहुत कुछ था लेकिन मैं भूल गया, और जो कोठरी थी उसको छुपाने लग गए। कृष्ण ने कहा इस कोठरी में क्या है? बोले इसमें तो कुछ नहीं है। बोले नहीं तुम बताओ इसमें है क्या? अरे हाथ जब लगा कोठरी फट गई, उसमें से चावल गिरने लग गए। कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का राज्य दे दिया। दो मुट्ठी चावल खाए, दो लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लग गए। रुक्मणी जी ने कहा प्रसाद हमें भी तो बचने दो, हमें भी वहीं पहुंचाओगे क्या? अरे ऐसी लीला। सुदामा कहते मुझे आज्ञा तो दो, गोविंद में जाऊंगा।
रुको जरा, बैठो, मैं बैठो जरा, रुक्मणी प्रणाम करो चिंतो बात दुगति रहो, कालिंदी प्रणाम करो चिंतो बात दुगति रहो, संत रामा प्रणाम करो चिंतो बात दुगति रहो, लक्ष्मणा प्रणाम करो चिंतो बात दुगति रहो, भद्रा प्रणाम करो चिंतो बात दुगति रहो, नंद जी की प्रणाम करो चिंतो बात दुगति रहो। रामा जी ने कृष्ण से टाई कराओ क्या कान में, क्या ये कौन है, बोले मेरी पत्नियां, तुम्हारी है या पड़ोस की, उन्होंने मेरी सौ दो सौ को फिर आशीर्वाद दिया, फिर कन्हैया क्या कान में, क्या कितनी और है, बोले 16108 के करीब, अरे बोले इतने को आशीर्वाद कैसे ले पाएंगे, तुम ही ले लो हमारी तरफ से सबका आशीर्वाद। कृष्ण ने प्रणाम किया, जब सुदामा जाने लग गए तो कृष्ण ने कहा ऐसे सुदामा जी क्या, बोले कुछ भूल गए क्या, बोले वो वस्त्र को उतार दो, सुदामा जी ने वस्त्र उतार दिए, मन में सोच रहे लिया किया तो कुछ जमीन वस्त्र दिए थे कोई उतरवा दिए, अब क्या करें, वस्त्र उतार करके पुराने वस्त्र पहन के जा रहे, लोगों ने देखा तो साफ प्रणाम करने लग गए, हाथ जोड़ करके पूरी द्वारिका खड़ी है, अरे कितने आए और ट्रक भर भर के ले ले करके गए, ये तो ये ब्राह्मण देवता ऐसे जो कृष्ण के दरबार से खाली हाथ ही जा रहे, खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जा रहे हैं, ये ब्राह्मण देवता कितने धन्य है, गजब हो गया, सुदामा भी प्रसन्न हो गए, वाह गोविंद मेरी महिमा बढ़ाने के लिए आपने क्या लीला रच दी, और पूरी द्वारिका प्रणाम करती है, सुदामा जी से निवेदन करती है बार बार श्री द्वारिका में आइए, हम धन्य हो जाएंगे आपके दर्शन पाकर। सुदामा पैदल पैदल गए, जाने में टाइम लगता है, लौटने में देर नहीं लगती, पहुंच गए सुदाम को, जहाँ सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां तो बड़े बड़े महल बने, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया पर कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा ने देखा बड़े बड़े सोने चांदी के महल, सुदामा जी ने पूछा तो मेरी भैया ये महल किसके, बोले सुदामा जी सेठ के, सुदामा ने सोचा तो सुदामा तो मेरे ही नाम है, मैं कैसे हो सकता हूँ, होंगे कोई धनवान सुदामा, भैया वो सुदामा जी कहाँ मिले, द्वारिका गए, सुदामा जी ने सोचा पर द्वारिका तो मैं ही गया था, मैं कैसे हो सकता हूँ, होंगे कोई सुदामा जो बिजनेस के काम से द्वारिका जाते हूँ घुड़बंदी से वापस आ जाते हूँ, भैया वो सुदामा जी कब मिलेंगे पता नहीं, उन्हें तो 20 दिन गए हुए, सुदामा जी ने 20 दिन पहले तो हम ही गए थे, हम कैसे होंगे सुदाम, भैया अच्छा ये बताओ मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी वो तोड़ के अच्छा किया, तो मेरी पत्नी कहाँ है कुछ पता है, बच्चे पत्नी हमें जानकारी नहीं, सुदामा जी मिलेंगे वही बताएंगे, अच्छा सुशीला जी ने जैसे ही देखा सुदामा जी को, सुशीला जी ये हो गए, ये आता है तो ये अपने आप आता है, ये आए और ये ना आए तो ठाकुर जी की डबल कृपा समझना, सुशीला जी ने जैसे ही आकर के नजदीक सुदामा जी को प्रणाम किया, तो सुदामा जी कहते हाँ हाँ दूर से ही सेठानी जी दूर से, अरे आप पहचाने नहीं, अरे हाँ हाँ पहचान लिए तुम दूर से ही प्रणाम, अरे मैं आप पहचाने नहीं मुझे मैं, अरे हाँ हाँ सेठानी जी दूर से ही प्रणाम करो, अरे मैं अरे सुशीला तुम ये सब क्या, बोले ये बांके बिहारी की कृपा, अरे बोले तुम पर बहुत कृपा की, हम तो जैसे गए थे वैसे ही वापस आए, सुदामा जी कहते मुझे तो ये धन वगैरह कुछ चाहिए नहीं, मैं जंगल में जा रहा हूँ भजन करूंगा तुम इसका उपभोग करो, सुदामा जाने लगे, कृष्ण ने हाथ पकड़ा और कहा ये सब मैंने आपको ही दिया है, बोले भजन करूंगा, बोले ये भजन का ही तो फल मैंने तुम्हें दे दिया, अब घर में ही रहो, ओ कृष्ण प्रसन्न हो गए, सुदामा प्रसन्न हो गए, ऐसे सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा की थी, बड़ा अद्भुत चरित्र है सुदामा चरित्र, इस प्रकार से वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित
बैठे हैं।